वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए बिहार में पहली बार औरंगाबाद में ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने ड्रोन उड़ाकर की। औरंगाबाद के आकाश में उड़ रहा यह ड्रोन शहर की तस्वीरें नहीं ले रहा, बल्कि यह कोरोना फाइटर का काम कर रहा है। कोरोना के खिलाफ वैश्विक जंग में यह शहर को सैनिटाइज करने में काम में लगा है। यह कार दक्षिण भारत की एक निजी कंपनी द्वारा स्थानीय भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के सहयोग से किया जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय सांसद ने कहा कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में बिहार में पहली बार ड्रोन के माध्यम से औरंगाबाद शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है और यह कार्य औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सभी शहरों इलाकों में कराया जाएगा, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गया और औरंगाबाद दोनों जिलों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर एवं अन्य वैसे मेडिकल इक्विपमेंट जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं को दोनों जिले के सिविल सर्जन को उपलब्ध कराने जा रहे हैं। गौरतलब है कि औरंगाबाद शहर में नागरिकों के एक छोटे से समूह ने कोरोना की दूसरी लहर में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों पर गुमशुदा होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन के बाद अब जनप्रतिनिधियों की सक्रियता को राजनीतिक हलकों में इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के किसी भी प्रयास की सराहना होनी चाहिए और यह प्रयास भी निसंदेह सराहनीय है। ये ड्रोन 10 लीटर कैपेसिटी का है, इसमें 10 लीटर का सैनिटाइजर भर के हम पूरा शहर स्प्रे करेंगे। कितना किलोमीटर का दायरा इसका है? एक बैटरी साइकिल में हमको 700 मीटर कवर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भरतवाज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।